नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में कोविड 19 के ताजा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। सोमवार को ताजा अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे की अवधि में 8309 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 3,45,80,832 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,03,859 पर पहुंच गए हैं, जो पिछले 544 दिनों में सबसे कम है। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीन कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। दिल्ली NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि वो केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश से कहर मचा हुआ है। तमिलनाडु के त्रिची में पिछले 3 से मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्टेट रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर KKSSR रामचंद्रन ने बताया है कि बारिश की वजह से तमिलनाडु में अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में बिहार के सभी मानकों में सबसे निचले पायदान पर रहने की चुनौती दी है। अन्य कैबिनेट मंत्रियों के विचारों को प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार शाम को दावा किया है कि आयोग संबंधित राज्य सरकार से परामर्श किए बिना रिपोर्ट तैयार करता है। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति पिछले 21 साल में दर्शकों का मनोरंजन कराने में सफल रहा है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी अपनी सहजता से शो को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। वहीं 3 दिसंबर को शो के 1000 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो में बिग बी बेहद भावुक नजर आते हैं। बाद में वो कहते हैं ऑल राइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र से निबंधित और निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाना है। अचल कार्यालय में बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चंदन कियारी स्थित पर्वतपुर कोल ब्लॉक की चाल धसने से तिलाटार गांव के 4 लोग रावण रजवार, लक्ष्मण रजवार, भारत सिंह और अनादि सिंह दब गए थे, जिन्हें शनिवार को भी नहीं निकाला जा सका है। घटना शुक्रवार की रात को हुई थी। अब रविवार को BCCL की रेस्क्यू टीम फिर से 4 लोगों को खोजते हुए देखी गई। इस काम में जिला प्रशासन से मदद भी ली गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में डिप्टी मैनेजर पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना है। उम्मीदवार NHAI की वेबसाइट recruitment.nta.nic.in या फिर nhai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर पद के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख है। डिप्टी मैनेजर पद पर कुल 17 वैकेंसी है। भारतीय वायुसेना जल्द ही 1 दिसंबर 2021 से AFCAT 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। जो भी अभ्यर्थी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो AFCAT की वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। रूस की कलाश्निकोव अपने खतरनाक हथियार की वजह से जानी जाती है। इनमें मशहूर असॉल्ट राइफल या शोल्डर गन AK-47 भी शामिल है, जिसका असल नाम ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 1947 है, मगर हर कोई यह नहीं जानता है। यह रूसी कंपनी हथियार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बनाने का काम करती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के लिए नया खतरा उभर कर सामने आ रही है। इसके डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक होने की आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन के सामने आने से ज्यादातर देश चिंतित है। कुछ देशों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लोगों को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मची तबाही जैसे खतरे की आशंका फिर दिख रही है। झारखंड की राजधानी रांची में रामगढ़ हजारीबाग की तरफ जाने वाली सड़क यानी कि NH-33 पर जब आप सुबह के 4 बजे जाएंगे तो आपको कई लोग साइकिल पर 8-10 बोरियां लादे हुए उसे धकेलते हुए नजर आएंगे। इन्हें आप मजदूर कह सकते हैं, जो रामगढ़ कुजू जैसे इलाके में कोयला अवैध तरीके से लाकर रांची में बेचने का काम करते हैं, जिसका अब खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों ने कृषि कानून वापसी बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के पास होने के साथ ही भारतीय किसान संघ BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह विधेयक उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि है जिनका पिछले साल नवम्बर में शुरू हुए आंदोलन के दौरान निधन हो गया था।
अभी हम जो सोलर प्लेट या फिर सौर ऊर्जा के सेल देखते हैं वो एक ठोस तख्ती की तरह होती है। इसे छत या फिर खुले मैदान के खंभों के सहारे लगाया जाता है, लेकिन बहुत जल्द सोलर सेल की ये प्लेट पारदर्शी और ऐसी बनने वाली है जो घर की खिड़कियों में कांच की जगह पर लगेगी। इससे न केवल कांच वाली खिड़की का उद्देश्य पूरा होगा बल्कि घर में खपत होने वाली बिजली इस पारदर्शी खिड़कियों से ही बन जाएगी। शेयर बाजारों में मोटी कमाई होती है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे और मुनाफा भी अच्छा मिले, तो आपके लिए जीवन शिरोमणि एक बेहतर विकल्प लेकर आया है। इस स्कीम में आपको एक रुपए के बदले भी जबरदस्त मुनाफा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार गोरखपुर में दिसंबर में एक एम्स का उद्घाटन किया जाएगा, साथ ही एक उर्वरक कारखाना का भी उद्घाटन करेंगे जो 1990 से बंद है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन मूल रूप से अगले महीने किया जा सकता है। गोरखपुर में एम्स की इच्छा 2004 से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्वरक सुविधा जो 1990 में बंद हुई है अगले महीने फिर से खुल जाएगी। भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक हिंदुजा ग्रुप में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हिंदुजा परिवार में छिड़ी जंग ने 107 साल पुराने और दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य में एक को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदुजा परिवार में चल रही इस कलह की चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी कि 29 नवंबर को घोषणा की है कि सरकार कोविड-19 महामारी से प्रभावित लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संचालन कर रही है और इस योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र राज्य सरकारों द्वारा नवंबर की शुरुआत में दिवाली की शाम से शुल्क में बदलाव के बाद तेल विपणन कंपनियों ने प्रमुख भारतीय शहरों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश भर में भी ईंधन की कीमत रविवार को काफी हद तक अपरिवर्तित रही, लेकिन स्थानीय करों के स्तर के आधार पर खुदरा दरें भिन्न है। केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को उत्पाद शुल्क में कटौती कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही इस तरह की पहली कवायद थी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण के करीब चीन के अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने पर गहरी आपत्ति जताई है। सूत्रों के अनुसार दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में क्षेत्र में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय सेना ने चीन के नियंत्रण रेखा पर हाईवे प्रोजेक्ट के साथ अपने विमान उतारने के लिए नए एयर स्ट्रिप बनाने की कार्रवाई पर एतराज जताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और वहां की जनता को हनुक्का की शुभकामनाएं दी है। मोदी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट आपको और देश की जनता को रोशनी के 8 दिवसीय रोशनी के पर्व हनुक्का की बधाई और शुभकामनाएं। दक्षिण कोरिया ने ऐलान किया है कि वो साल 2050 तक 27.9 मिलियन टन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। इसके तहत सालाना 100% के साथ स्वच्छ हाइड्रोजन की आपूर्ति होगी। इससे उम्मीद है कि 1319 ट्रिलियन वॉन का आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होगा और 200 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस घटेगी। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया है। मुन्नवर ने अपने स्टेज करियर को खत्म करने की घोषणा की है। इसके बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर मुन्नवर फारूकी के सपोर्ट में आ गई हैं। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर लिखा, नफरत और कट्टरता हमेशा एक मुखर, पढ़े लिखे, प्रतिभाशाली और तर्क करने वालों से नफरत करती है। ये लोग अपनी पहचान से पूरे लोगों से जुड़ते हैं। ये दिल तोड़ने वाला और शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले कुछ महीने से विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीने में यूपी के आधा दर्जन से अधिक यात्राएं कर चुके हैं। इन यात्राओं में उन्होंने करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ या शिलान्यास किया है। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ और एक का शिलान्यास शामिल है। पिछले सप्ताह शेयर मार्केट में चल रही गिरावट इस सप्ताह भी जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार एक बार फिर से कमजोर नोट पर खुला। बीएसई वेबसाइट से मिले आंकड़ों के मुताबिक सुबह के अपने शुरुआती कारोबार में बीएसई का मेन इंडेक्स सेंसेक्स 672.94 यानी कि 1.18% की तेजी के साथ 56,434.21 अंक पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई के साथ साथ सोमवार को एनएसई में भी गिरावट देखने को मिली। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ सुकून के पलों में आराम फरमाते हुए खूबसूरत फोटो शेयर किया है। कोहली के द्वारा ये तस्वीर शेयर करते ही कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गई। इस कपल की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर होते ही उनके फैंस तरह तरह के कॉमेंट कर रहे हैं। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन देकर लिखा, अगर तुम मेरी तरफ हो तो मैं किसी भी जगह पर घर पर ही हूँ। केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने एक बयान में यह कहा कि केंद्र सरकार की देश में क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन के दौरान उनके हाथों लोकार्पण के लिए परियोजनाओं की सूची लगभग तैयार है। करीब 1400 करोड़ रुपए से काशी विश्वनाथ धाम सहित 19 परियोजनाएं आमजन को समर्पित होंगी।
दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण केजरीवाल सरकार के लिए एक बार फिर सिरदर्द बन गया है। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सभी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। बताया जा रहा है कि अब ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक दिल्ली में बंद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद सदीम, संजय यादव, टुनटुन यादव, नुनू कुमार, विकास कुमार ऑफिशियल, सचिन कुमार, सचिन सक्सेना, रवि रंजन, राजेश सोंथिया, सुमित कुमार सिंह, राजकुमार, मोहम्मद शकील खान, सोनू चौधरी, राजेश रंजन वर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरियंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कौन सा नियम तुरंत ही लागू कर देना चाहिए? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।